अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए आज आप लोग को हम बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे बेबी बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। देखिए हमने दो कलर का कपड़ा लिया है, अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये हमने ब्लू लिया है और हमने क्रीम कलर में लिया है, हमने दो कलर लिया है। देखिए ये पट्टी जो हमने लिया है 2.5 इंच की चौड़ाई है, और ये वाला जो हमने लिया है ये 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई एक पीस है। और ये हमने जो ब्लू कलर का पीस लिया है ये हमारा 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई, ये हमारा 6 पीस है। देखिए इसको जितना भी हमारे पीसेस को हमारे जितना भी है उसको हम अच्छे तरीके से बराबर करके कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया और इस पीसेस को भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने पूरे पीस की कटिंग कर लिया है, और अब ये जो हमारा पीसेस है, ये जो हमने ब्लू कलर का पट्टी लिया है उसके ऊपर हम ये जो हमारा क्रीम कलर का पीस है उसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हम बराबर कर कर रख लिए हैं, और फिर हम सिलाई कर देंगे। देखिए इस साइड हमने सिलाई कर दिया है, और अब फिर इसको हम कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा है। ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर दिया, और इस साइड भी हम सेम इसी तरीके से बराबर कर कर रख लेंगे और फिर सिलाई कर देंगे। देखिए इस साइड इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। देखिए इस साइड भी हमने सिलाई कर कर कटिंग कर दिया है, और फिर हम इस साइड भी रखेंगे। ये चारों तरफ जो हमारा ब्लू वाला पीसेस पट्टी है उसको हम इसी तरीके से चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया, और सेम हम इसी तरीके से इस साइड भी रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया है, और ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया है इस साइड भी। हमने इस साइड सिलाई कर लिया, चारों तरफ से हमने ब्लू वाला पीसेस को सिलाई कर लिया, और जो हमारा क्रीम कलर का पीसेस है उसको भी हम सेम इसी तरीके से रखकर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस साइड हमने कट कर दिया है, और इस साइड भी हम इसी तरीके से सेम रख कर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे, और इस साइड भी हम सिलाई कर लेंगे अच्छे तरीके से बराबर करते हुए। ये देखिए इसी तरीके से हम रख कर अच्छे तरीके से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया है, और इस साइड भी हम सेम इसी तरीके से रख कर सिलाई करेंगे। देखिए ये इस तरीके से हम रखेंगे और सिलाई करेंगे। इस डिज़ाइन आप चाहे तो इसे ऐसे ही आप बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक बॉक्स लेकर और एक डिज़ाइन जो आप अपने हिसाब से रखना चाहिए चाहते हैं उसको भी रखकर आप एक एक कर ज्वाइन कर दे तो बहुत प्यारा लगेगा। बेडशीट थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन अच्छा लगता है बन जाता है। तो ये देखिए जो हमने कटिंग किया था पीस को उसको हम इस तरीके से रखेंगे कि थोड़ा जो थोड़ा थोड़ा है कपड़ा वो छुटा रहे, हमारा जो कोना है उसको छोड़कर हम सिलाई करेंगे। देखिए हम चारों तरफ से, देखिए इस साइड चारों तरफ से इसको हम जो हमारा पीस हमने कट किया था उसको हम सिलाई कर देंगे। देखिए हमने दूसरे साइड कर दिया, ये देखिए इस तरीके से, और हम तीसरे साइड भी करेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने दूसरी साइड, तीसरी साइड, और इसी तरीके से हम इस साइड भी चारों तरफ से हम इसी तरीके से पीसेस को रखकर अच्छे तरीके से बराबर करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस साइड भी हम इसी तरीके से रख लिए हैं, और इसको भी हम बराबर कर लेंगे और फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर निकाल देंगे। ये देखिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिए हैं चारों तरफ से, और जो हमारा क्रीम कलर का पीसेस है उसको हम इस पट्टी है उसको हम इस तरीके से रखेंगे अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, और फिर हम इस साइड भी देखिए इस तरीके से हमने सिलाई किया है, और इस साइड भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरफ भी हम इस तरीके से हमारा जो पट्टी है उसको हम रखेंगे क्रीम कलर का, और इसको हम बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बाद में कटिंग कर दिया करेंगे, जो हमारा चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा रहता है एक्स्ट्रा उसको हम कटिंग कर देंगे साथ में। देखिए हमने इस साइड कटिंग कर दिया, और जो हमारा इधर निकल रहा है उसको भी हम साथ में कटिंग कर दिए। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर लिया है, ये देखिए, और इस साइड भी हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई करेंगे।
ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया है और इस साइड भी हम इसी तरीके से सेम रखेंगे पीसेस को। और देखिए इस तरीके से पट्टी को रखेंगे अच्छे तरीके से बराबर करते हुए, इस साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे साथ में। ये देखिए हमने कट कर दिया और इस साइड भी हम ये जो हमने पीसेस को लिया था कटिंग कर कर उसको भी हम रखेंगे। ये हमने दूसरे लाइन पर रखना शुरू कर दिया है और ये भी हम चारों तरफ से रखेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इस तरीके से रख लेना है कि हमारा जो ये है इस पर मिला हुआ रहे, ये नहीं कि मतलब थोड़ा आगे पीछे, बराबर से चारों तरफ का रहेगा तभी हमारा जो डिज़ाइन है ना फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। ये देखिए हमने इस साइड भी कर लिया है, देखिए सेम इसी तरीके से हमारा रहना चाहिए। और फिर देखिए हमने दोनों साइड कर दिया, फिर इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे बराबर करते हुए और इस साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साथ में कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हमने कट कर दिया है जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा था। और फिर हम देखिए इस तरीके से हम ये हमारा तैयार हुआ है। और फिर हम यही लेंगे क्रीम कलर का जो हमारा पट्टी है हमने कट किया था उसको हम इस तरीके से रखेंगे, अच्छे तरीके से हम बराबर कर लेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया है इस तरीके से, और ये देखिए हम कटिंग कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया और इस साइड भी हम इस तरीके से सेम रख कर सिलाई कर लेंगे अच्छे तरीके से बराबर करते हुए। ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे साथ में। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर लिया है और ये हमारा इसको भी हमने चारों तरफ से हमने इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। और देखिए इस तरीके से हम इस साइड भी इस ये वाला जो हमारा पीसेस हमने कट किया था इसको भी हम सिलाई करेंगे अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने बराबर कर लिया और दोनों साइड हमने जो हमारा कपड़े का कोना है उसको हमने छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा, इस साइड दोनों साइड में हमने छोड़ा है तभी हमारा अच्छे तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमारा आया है। और इस साइड भी हम इसी तरीके से सेम सिलाई करेंगे, इसको भी हम पीसेस को इस तरीके से रखेंगे अच्छे तरीके से और फिर हम इस साइड भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया है, ये देखिए हमने दो साइड सिलाई कर लिया और फिर हम इस साइड भी रखेंगे। हम चारों तरफ से सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। आई होप आप लोग को डिजाइन सिलने का तरीका समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसमें कोई भी डिजाइन बनाकर फिर इस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं, एक बॉक्स और एक डिजाइन, और या आप चाहे तो इसी तरीके से आप पट्टी चारों तरफ से लगाकर एक एक बॉक्स ही का इस तरीके से जोड़ सकते हैं डिजाइन, पूरा बेडशीट बन जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से जोड़ें बहुत प्यारा लगेगा। और देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साथ में कर देंगे कटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सिलने का तरीका, आप लोग इस तरीके से बनाए। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप लोग इसी तरीके से देख सकें नई नई वीडियो। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।